नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और संजना की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। आज मैं बना रही हूँ काजू पुआ। ये बिहार की फेमस रेसिपी है। ये त्योहारों में बनाई जाती है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, इसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 केले, इसे छील के मैश कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे पीसी हुई शक्कर। ये देखिए, ये काजू का पाउडर है 1/4 कप, ये इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर और साथ में डालेंगे दूध। इसे हम चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ज़रूरत के हिसाब से डालें। हमें इसका घोल तैयार करना है। घोल ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला। इसे बीटर से फेंट लेंगे। ये देखिए, घोल तैयार हो गया है। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसा गाढ़ा घोल तैयार करना है। चलिए अब हम इसे तलने की तैयारी शुरू करते हैं। कढ़ाई में तलने के लिए तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम कलछी की सहायता से इसमें पुआ डालेंगे। मैं यहाँ पर एक बार में 2 पुआ तल रही हूँ। आप अपने पैन की जगह अनुसार 2 से ज़्यादा भी तल सकते हैं। इसे उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार से बाकी का पुआ भी तल लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।